चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में नवरात्र के लिए राजधानी शिमला सहित जिले के मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। शिमला के कालीबाड़ी व तारा देवी मंदिर सहित ऊपरी शिमला के हाटकोटी और रामपुर के भीमा काली मंदिर में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिरों को रंग बिरंगी झालर से सजाया जा रहा है। वहीं इस साल कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद 2 साल बाद मंदिरों में भंडारे भी लगेंगे। 2 साल से कोरोना बंदिशों के चलते मंदिरों में भंडारों पर रोक लगाई गई थी। नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और माँ के उपासक श्रद्धा के साथ देवी की पूजा अर्चना करते हैं। इन दिनों में लोग अपने घर में देवी माँ की स्थापना करते हैं और 9 दिन तक विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। वहीं साधक नवरात्र के 9 दिन तक देवी माँ की उपासना करते हैं। चैत्र नवरात्र से शुरू होता है नववर्ष। नववर्ष में चैत्र नवरात्र का अलग महत्व होता है। इस दिन से हिंदी महानववर्ष की भी शुरुआत होती है, जिसके चलते लोग चैत्र नवरात्र में देवी पूजन करने के साथ ही घरों में विभिन्न तरह के आयोजन भी करते हैं। लोग अपने घर को सजाने के साथ ही हिंदी नववर्ष का स्वागत करते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है। सुबह और शाम के समय रूटीन आरती होगी। मंदिर में नवरात्र के दिनों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिलती है। कालीबाड़ी मंदिर के पास नवरात्र के लिए विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री दुकानदारों ने रखवा ली है। इसमें देवी मूर्तियों के अलावा उनके पूजन में प्रयोग होने वाले नारियल, चुनरी, हवन सामग्री, लकड़ी, पान सुपारी, कपूर, रोली, कलश शामिल है। त्योहारी सीजन से दुकानदार खुश हैं। कोरोना काल के कारण 2 साल से मंदिरों में नवरात्र के दौरान बाहर दुकान सजाने की मनाही थी। ऐसे में छोटे दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। इस बार कोरोना के मामले कम होने के कारण कालीबाड़ी मंदिर के बाहर बैठने की अनुमति मिलने से दुकानदारों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। त्योहारी सीजन में खरीदारी होने से उनकी दुकानदारी चलती है। आपके नगरवासी के साथ साथ प्रदेशवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इनके आशीर्वाद से सभी लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और भाईचारा बना रहे, हमारा एक दूसरे से प्यार करे, आसपास पड़ोस सभी में घर में भी हमारा प्यार बना रहे और नवरात्रि के साथ साथ इनके आशीर्वाद जैसे रहते हैं कि हम एक दूसरे से दयावान बने, एक दूसरे को कदर करें, जैसे बड़े हैं उनको हम सम्मान करें और उसी तरह से छोटे को हम आदर करें, कदर करें, एक दूसरे से हमारे प्यार बने रहे। पहले आपको बताया जी 2 नवरात्रि होती थी, एक शारद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। शारद नवरात्रि में वो आते हैं बंगाल से, आते हैं मूर्तिकार, आते हैं मूर्ति बनाने के लिए। इधर कुछ टाइम बनाया जाता है, इस टाइम ये माँ के पास ही नवरात्रि का जो त्यौहार जो है, एक सामी माँ जो दुर्गा है इन्हीं के पास मनाया जाता है ये त्यौहार। क्या अभी तक तो कोई ऐसा जो है सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं आई है? अगर आप आती भी है पाबंदी कोई, अगर सरकार बोलते हैं कि इसी तरह से गाइडलाइन फॉलो करना है, हम बिल्कुल उन्हीं के सरकार के गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे। अगर सरकार जैसे पहले बोल रहे थे कि ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, दूरी का मतलब ये नहीं कि कोई छुआछूत की बीमारी है, बिल्कुल छुआछूत की बीमारी इसलिए तभी कहते दूरी रखे, कोई भेदभाव नहीं है कि एक दूसरे से फैलने वाले बीमारियां के स्प्रेड करते हैं एक दूसरे से, इसलिए दूरी रखना चाहिए। अगर सरकार तो इसी तरह से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, आते भी है हम बोलेंगे थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखें और थोड़ा सा दूर दूर खड़े होकर माँ के दर्शन करें और 10-15 लोग या 20 लोग माँ के गर्भगृह में जाते हैं तो वो दर्शन करके जैसे तुरंत निकलते हैं और दूसरे लोग भी जाके माँ के दर्शन। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।